सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल का आइकन भी दबाइए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, सीटेट 2018 के फॉर्म निकल चुके हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स ने अप्लाई भी कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपने भी अप्लाई कर दिया होगा, अगर नहीं किए हैं तो फटाफट कर दीजिए। तो दोस्तों, अपने इस चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे अभी तक हम सीटेट से रिलेटेड कोई वीडियो ज़्यादा लेके आ नहीं रहे थे, बस नोटिफिकेशन वगैरह की बता रहे थे, प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं अवेलेबल है अगर आपने देखा हो तो। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं सीटेट 2018 जो आ गया है इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस। तो उस कड़ी में हम सबसे पहले आप लोगों के लिए लेके आएंगे पुराने क्वेश्चन पेपर्स सीटेट के। तो आज इसी की शुरुआत हम करते हैं। जनवरी 2012 में ये एग्ज़ाम हुआ था और ये है पेपर टू जो कि TGT के लिए होता है, तो वो लेके आए हैं 2012 का। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिल्कुल विद आंसर। हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं विद आंसर्स लेके आए हैं, ये जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ये। तो ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो आपके ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृति। तो इसका आंसर है दूसरा, शारीरिक गठन। इसके अतिरिक्त बाकी जो ये तीनों चीजें हैं ये वातावरणीय कारक हैं जो विकास को आकार देते हैं। तो दूसरा है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है। एक छात्र जल्दी सीखता है, एक काम को जल्दी सीखता है और दूसरा छात्र उसी काम को सीखने में ज्यादा समय लेता है, तो कौन सा सिद्धांत है ये विकास का? तो यह है, इसका आंसर है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है ये कि एक काम को करने में या किसी चीज को सीखने में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ज्यादा समय लगना या कम समय लगना, ये व्यक्तिगत भिन्नता है। विकास शुरू होता, विकास कहाँ से शुरू होता है? शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तरा बाल्यावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था। तो दोस्तों, विकास जो है, विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है और जब तक मनुष्य अंतिम सांस नहीं लेता तब तक विकास चलता रहता है। तो विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो प्रसव पूर्व से शुरू हो जाती है। प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? अनुवांशिकता संबंधी कारक, देखिए ऑप्शन देखिए, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न, आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारीता। तो इसका आंसर है सी, आंखों का रंग। आंखों का रंग जो है वो अनुवांशिकता पे निर्भर करता है। प्रश्न नंबर पांच, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खालिस्तान में भी सहायता करती हैं। तो आपके ऑप्शन है मूल्यध्वन, आक्रामकता, दुष्टता और सामाजिकरण। तो इसका आंसर है सीधा चौथा, सामाजिकरण में भी सहायता करती हैं। प्रश्न नंबर छह, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को खालिस्तान में सहायता की आवश्यकता है। तो आपके सामने ये ऑप्शन है, इनमें से किस चीज की आवश्यकता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। तो उसको थोड़ी ही भावात्मक क्षेत्र में उसको सहायता की जरूरत है भावनात्मक रूप से। अब आते हैं प्रश्न नंबर सात में। प्रश्न नंबर सात है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो आपके ऑप्शन है संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संज्ञा क्रियात्मक चरण, मूर्त संज्ञा क्रियात्मक चरण, औपचारिक संज्ञा क्रियात्मक चरण। तो इसमें से कौन से चरण में करता है? तो इसका आंसर है पहला, संवेदी प्रेरक चरण। प्रश्न नंबर आठ, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता और नैतिक त्रय करना। तो इसका आंसर है पहला, नैतिक यथार्थवाद। तो अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खालिस्तान से बचती है, किस से बचती है? आपके सामने ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता और सामाजिक उत्तरदायित्व। तो इसका आंसर है ए, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। प्रश्न नंबर 15, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, आपके सामने ऑप्शन है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा,
वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे। इनमें से कौन सा वो कार्य है करते वक्त वो अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाए? तो इसका आंसर है चौथा है, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो सभी निरोग्य बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं, स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तीसरा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। और चौथा, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। तो इसका आंसर है दूसरा, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। प्रश्न नंबर 17, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खाली स्थान की समस्या से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये है पढ़ने की समस्या से संबंधित। प्रश्न नंबर 18, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? ऑप्शन है, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारिता निभाने की अक्षमता, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने की अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने की अक्षमता। तो इसका आंसर है पहला, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। प्रश्न नंबर 19, व्यवहार का करना पक्ष खाली स्थान में आता है। तो ये किस में आता है? सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र, सीखने के गतिक कनेक्टिविटी क्षेत्र, कनेक्टिव क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। तो व्यवहार का करना पक्ष खाली स्थान में आता है, तो ये आता है सीखने के गतिक क्षेत्र। प्रश्न 20, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, यह विद्यार्थी खालिस्तान रूप में अभिप्रेरित है, खालिस्तान रूप से अभिप्रेरित है। तो इसका आंसर है पहला ही है, ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तभी वो इतनी परिश्रम कर रहा है। प्रश्न नंबर 21, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वहन आदि, यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो ये किस को उजागर करता है? आपके सामने ऑप्शन है, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम। तो इसका आंसर है तीसरा, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। प्रश्न नंबर 22, सृजनात्मक मुख्य रूप से खाली स्थान से संबंधित है। तो किस से संबंधित है? अभिसारी चिंतन से, पहला ही है इसका। प्रश्न नंबर 23, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें, इससे खाली स्थान को बढ़ावा मिलता है। तो इससे किसको बढ़ावा मिलता है? आपके सामने ऑप्शन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं, शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। तो इसका आंसर है चौथा, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। प्रश्न नंबर 24, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय खाली स्थान की ओर संकेत करती है। तो किसकी ओर संकेत करती है? आपके ऑप्शन है, उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों, योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार की पाठ्य चर्चा आवश्यकता। तो इसका आंसर है दूसरा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां। प्रश्न नंबर 25, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। तो देखिए, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, तो बिल्कुल ही प्रभावित नहीं करता तो शून्य ही हो गया ना, तो बड़ा ही इजी है इसका। तो तीसरा है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। प्रश्न नंबर 26, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है खालिस्तान कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? ऑप्शन है, समावेशन, स्कीमा, प्रत्यक्षण, समायोजन। तो ये कहलाती है समावेशन। प्रश्न नंबर 27, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक खालिस्तान के द्वारा सीखने को सर्वाधित करता है।
तो ऑप्शन है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने, विद्यार्थियों में वास्तविक अपेक्षाएं रखने और अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने में। तो इसका आंसर है तीसरा, विद्यार्थियों से वास्तविक उपेक्षाएं रखने, बिल्कुल वास्तविक ही उपेक्षाएं रखनी चाहिए विद्यार्थियों से। प्रश्न नंबर 28, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षार्थियों के वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को सर्वाधिक करता है, वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो इसका आंसर है दूसरा, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संबंधित करता है। प्रश्न नंबर 29, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह सभी शिक्षार्थियों के में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाह रही, वो तो इवन कम करना चाह रही है। प्रश्न नंबर 3, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाध्यताएं उत्पन्न कर रही है? नहीं, बिल्कुल भी कोई बाध्यता उसमें उत्पन्न नहीं होती अगर हम ध्यान से सोचे तो। चौथा, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है? बिल्कुल सही है, ये चौथा बिल्कुल ठीक है, वो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। प्रश्न नंबर 30, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खालिस्तान के लिए किसके लिए है? विद्यार्थियों का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्क उपलब्ध कराने, हाँ बिल्कुल ये सही है, सृजनात्मक मार्क उपलब्ध कराने के लिए। अब आ जाते हैं अपना जो पार्ट दूसरा है, तो पार्ट दूसरा हम आज कवर करेंगे। तो अब आ गए हैं हम सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, ये है भाग तीसरा है। प्रश्न नंबर 30 तक हो गए थे, अब आ गए हैं प्रश्न नंबर 31 पे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए बंगाल के दीवानी राजस्व का उपयोग किया, इनमें से किसके लिए उपयोग किया था? भारत में सूती रेशमी कपड़ों को खरीदने, ब्रिटेन में इनके शियामान भंडारों की भरपाई करने के लिए सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने, पुल और सड़कें बनाने, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने। तो इसका आंसर है पहला, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने में। प्रश्न नंबर 32, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की, तो क्यों स्थापित की थी? आपके सामने ऑप्शन है, इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए, मसालों को खरीद कर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए, स्थानीय किसानों से नील खरीद कर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, एक बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, ये फैक्ट्री आएगा। तो इसका आंसर है चौथा, एक बेस स्थापित किया था हुगली नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 33, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं, निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? तो इसमें से ये कौन सी समस्याएं हैं? यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तंकरणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। तो इसका आंसर पहला ही है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापन कला का हिस्सा था? तो कौन सा हिस्सा था? ऑप्शन है, यज्ञ वेदी, पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह है, दूसरा है हवन कुंड, तीसरा सजावटी द्वार, चौथा है रंगशाला। तो इसका आंसर है तीसरा, सजावटी द्वार। प्रश्न नंबर 35, पीतरा ड्यूरा था या थी, क्या था पी? ये था भवनों को सजाने की शैली। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाअभियोग चलाया गया था? इनमें से किस पे महाअभियोग चलाया गया था? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे जीके में भी आ जाता है कई बार ये क्वेश्चन। चार्ल्स क्लाइव, वारेन हंस्टिंग, टीबी मैकाले, कार्नवालिस, तो इनमें से किस पे चलाया गया था? तो इसका आंसर है वारेन हॉस्टिंग। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो इसका आंसर है तीसरा, राष्ट्रकूट, पाल, गुज्जर, प्रतिहार। प्रश्न नंबर 38, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने खालिस्तान के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था, तो किसके लिए पारित किया था? इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने। तो इसका आंसर है पहला,
प्रश्न नंबर 39, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था? क्यों किया था? तो ऑप्शन है आपके सामने, मंगोलों से बचने के लिए, दक्षिण शासकों को दंडित करने के लिए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, चौथा है उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इसका आंसर है तीसरा, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। प्रश्न नंबर 40, पंती मोमिन और देवंग समुदाय खालिस्तान से लगे हुए थे, चमड़े के काम से, बुनने के काम से, लकड़ी के काम से, बर्तन बनाने के काम से। तो इसका आंसर है दूसरा, बुनने के काम से। प्रश्न नंबर 41, 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? तो कौन सा परिवर्तन लाया गया था? तो आपके ऑप्शन है, पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया था, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लगाया था। दूसरा है, देश के सभी शासक अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई थी यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। तीसरा है, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर तीसरा है, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 42, 12वीं शताब्दी के कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में खालिस्तान में स्थित है, तो ये किस में स्थित है? तो इसका आंसर है पहला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। प्रश्न 43, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से तीन विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो कौन से तीन विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे 1857 में? तो इसका आंसर है पहला ही है, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, तीन ये यूनिवर्सिटी शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 44, आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो वो कैसे लिखते हैं? तो इसका आंसर है दो, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। प्रश्न नंबर 35, बिद्री क्या है? बिद्री क्या है? तो बिद्र के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी पर किया गया जड़ाऊ काम बिद्री कहलाता है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर से बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का उपयोग किया? तो ऑप्शन है बलबन, फिरोजशाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर चौथा, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? तो ऑप्शन है गोंड, अहोम, संथाल, भील। तो इसका आंसर है दो, अहोम। प्रश्न नंबर 48, वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? तो ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। दूसरा है, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं को नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। तीसरा है, आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने की में समस्या थी, जाति और वर्ण समान है। तो इसका आंसर है दूसरा, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं को नियमित विस्तार के कारण। प्रश्न नंबर 49, ऐतिहासिक स्थल वह है, कौन सा है ऐतिहासिक स्थल जहां इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं? तो इसका आंसर है तीसरा, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। प्रश्न नंबर 50, कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा क्या है? तो कॉमन एरा है ये दूसरा, क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? तो ये है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। प्रश्न नंबर 52, यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 AM है? तो इसका आंसर है 7:20 AM। तीसरा, प्रश्न नंबर 53, बगान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? जैसे चाय बगान की बात करें, बगान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है किसकी जरूरत होती है? तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है भूमि और श्रम की, उसको भूमि ज्यादा चाहिए और श्रम भी ज्यादा चाहिए। 54, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे जिनका उपचार खालिस्तान के साथ किया गया था, तो किसके साथ किया गया था? तो इसका आंसर है डिक्लोफ्लेनेक। प्रश्न नंबर 55, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ है,
केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायित्व तो है? तो इसका जो पहला है वो बिल्कुल ठीक है, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, ये सबसे बड़ा कारण है इनके फलने फूलने का। प्रश्न नंबर 56, पवन क्रियाएं छत्रक शैली बनाती हैं, छत्रक शैली कहाँ बनाती है, मशरूम रॉक्स कहाँ बनती हैं? तो ये बनती हैं रेगिस्तानों में, ये तो इसका आंसर है रेगिस्तान। प्रश्न नंबर 57, ब्लैकफुट इंडियन है, निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी, उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति, क्यूबा के बागान में काम करने वाला, कनाडा के प्रवासी भारतीय, तो इसका आंसर है दो, उत्तरी अमेरिका की एक देशी जनजाति। प्रश्न नंबर 58, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली खालिस्तान की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होती है, तो ये उत्पादित होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, तो इसको हम कहेंगे नाभिकीय विखंडन। प्रश्न नंबर 59, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? तो इसमें ये देखिए किस प्रकार की वर्षा इसमें दर्शाई गई है इस आरेख में, तो ये देखिए ये पर्वत है और ये बारिश हो रही है, ये पर्वतीय वर्षा दर्शाई गई है। प्रश्न नंबर 60, नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है, ए बी सी डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं, कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा? तो फॉलोइंग डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ अर्थ ऑन अ पर्टिकुलर डे, ए बी सी डी एंड ई आर लोकेशन ऑन द अर्थ, विच लोकेशन विल एक्सपीरियंस लॉन्गेस्ट आवर ऑफ डे। ये पांच स्थितियां हैं पृथ्वी पे, ए बी सी डी और ई, ये पांच बिंदु हैं जो कि पृथ्वी पे दर्शाए गए हैं, पांच जगह निशान लगा दिया गया है। तो इन पांचों में से किस पे सबसे ज्यादा समय तक सूर्य रहेगा, सूरज का प्रकाश रहेगा? तो दोस्तों सूरज का प्रकाश, देखिए सूरज यहाँ से निकलेगा, पृथ्वी यहाँ, तो पृथ्वी अपनी ऐसे घूमेगी, ये ऐसे 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 घूमेगी, तो ये घूमती जाएगी, तो ए तो जैसे अंधेरे में आ ही गया है, रात में आ गया है, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, क्योंकि सूरज तो एक जगह स्थिर है, घूमना पृथ्वी को है, फिर सी घूम जाएगा, तो देखिए डी, डी पे प्रकाश सबसे ज्यादा रहेगा ये, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 61, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन है शिक्षा, जीवन है शिक्षा, व्यक्तियों को शिक्षा, सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, शिक्षा गरिमा जीवन जीने में सहायता करती है, केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है, तो इसका आंसर है तीसरा, शिक्षा गरिमाएं जीवन जीने में सहायता करती है। प्रश्न नंबर 62, जनहित याचिका पीआईएल द्वारा खालिस्तान आई है, न्याय मिलने में बढ़त, न्याय मिलने में बाधा, न्यायिक सक्रियता में गिरावट, सरकारी कामकाज में बाधा, तो इसका आंसर है पहला, न्याय मिलने में बढ़त। प्रश्न नंबर 63, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उसका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह विचार किन के द्वारा रखा गया था? तो इसका आंसर है ए, बी आर अंबेडकर। प्रश्न नंबर 64, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटे खालिस्तान से शुरू होता है, तो प्रथम घंटा शुरू होता है प्रश्न काल से। प्रश्न नंबर 65, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया खालिस्तान नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है, तो इसका आंसर है चौथा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न नंबर 66, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए या और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप पराय, पराय तो क्या होता है इससे, तो इससे होता है इस प्रकार से समूह के प्रति भेदभाव होता है। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था, तो इसका आंसर है चौथा, मुस्लिम। प्रश्न नंबर 68, अब मीडिया को खालिस्तान के साथ निकट के संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता, सरकारी एजेंसियां, व्यापारिक घराने, गैर सरकारी संस्थाओं, नागरिक समाज, तो इसका आंसर है दूसरा, व्यापारिक घरानों। प्रश्न नंबर 69, सी के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित खालिस्तान है, तो क्या है ये, है एक आदिवासी कार्यकर्ता। प्रश्न नंबर 70, दादन व्यवस्था है, दादन व्यवस्था जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों पे बेचता है, जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है, जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पादन प्राप्त करता है, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है तथा तैयार माल प्राप्त करता है, तो इसका आंसर है चौथा, दादन व्यवस्था ये है कि जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त कर लेता है। प्रश्न नंबर 71,
शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को, तो इसका ऑप्शन है, महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने में सहायता करनी चाहिए। दूसरा है, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका आंसर है ये दूसरा ही है। प्रश्न नंबर 72, पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग दो अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? तो आपके ऑप्शन है, खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, निजी साक्षात्कार, सूचना प्रौद्योगिकी और तद्वारा मूल्यांकन, लिखित परीक्षा। तो इसका आंसर है पहला, खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। प्रश्न नंबर 73, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज्यादा उचित होगी? नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना, विद्यार्थियों को हैंडआउट्स देना और व्याख्या करना, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। तो इसका जो तीसरा है सबसे बढ़िया है, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। प्रश्न नंबर 74, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए क्योंकि नागरिक शास्त्र शब्दावली राज एरा में बनाई गई और जो आज्ञाकारिता तथा ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। प्रश्न इसका ऑप्शन दूसरा, राजनीतिक विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता आता है, विद्यालय को इसके लिए आधार भूमि तैयार करनी चाहिए। तीसरा, राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। तो इसका आंसर है तीसरा। प्रश्न नंबर 75, समूह शिक्षण क्या है? इनमें से स्कूलों में शिक्षकों के समूह के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण है, संसाधनों, रुचि व विशेषता विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करते हुए शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है, शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। तो इसका आंसर है तीसरा, संसाधनों, रुचि और विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। प्रश्न नंबर 76, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है चार। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध कराना है कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। प्रश्न नंबर 77, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है बच्चों के इच्छा अनुसार शिक्षण, शिक्षक बच्चों के गोल घेरे में बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है। तीसरा है, बच्चों के अनुभव, उनके विचारों और उनकी सक्रिय भागीदारिता को प्राथमिकता देना। चौथा है, व्यक्तिगत ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना। तो इसका आंसर है तीसरा। प्रश्न नंबर 78, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकें बच्चों के संसार के प्रति शिक्षा को संवर्धित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती हैं? तो इसका आंसर है दूसरा, वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 79, एक शिक्षक परीक्षार्थी इस प्रकार से अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती हैं, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे, यह उद्देश्य किस क्षेत्र में से आता है? ऑप्शन है, संश्लेषण, बोधन, विश्लेषण, कौशल। तो इसका आंसर है ए, पहला, संश्लेषण। प्रश्न नंबर 80, पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यात करना चाहिए जैसा कि दिया गया है। दूसरा है, शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्य चर्चा में से ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें। तीसरा है, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। तो इसका आंसर है यही तीसरा ही है। प्रश्न नंबर 81, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो इसका आंसर पहला ही, चर्चा उन्मुखी। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तंत्रणा से संबंधित है? तो इसका आंसर है
देख लेते हैं क्या है समकक्ष व्यक्तियों का अनुसरण, शब्दों पर जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाक् विस्तार, चौथा चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्णन करना। तो इसका आंसर है तीसरा, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाक् विस्तार। प्रश्न नंबर 83, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अनुन क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा। तो इसका आंसर है चौथा, वृत्तचित्र दिखाना, डॉक्यूमेंट्री सीरीज दिखाना। प्रश्न नंबर 84, एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता करती है, यह सीखने के किस पहलू पर बल दे रहा रही है। तो आपके ऑप्शन है संकल्पना को समझने की योग्यता, निर्वचन और व्याख्या करने की योग्यता, बेहतर परियोजना बनाने की योग्यता, मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। तो इसका आंसर है चौथा, मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। प्रश्न नंबर 85, प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह खालिस्तान को सुनिश्चित करती है। तो किसको सुनिश्चित करती है? शिक्षा अनुशासित करता है शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। तो इसका आंसर है दूसरा। प्रश्न नंबर 86, प्रारंभिक शिक्षा पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। तो क्या है? कहानी कथन पद्धति। प्रश्न नंबर 87, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को इन चारों कामों में से क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। पहला ही बिल्कुल सही है ये। प्रश्न नंबर 88, सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है। तो इसका जो तीसरा है, समुदायों के अनुभवों को दृष्टांत देना जो बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। तो ये तीसरा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 89, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाजों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? तो ऑप्शन है परियोजन पद्धति, व्याख्यान पद्धति, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण कक्षीय चर्चाएं। तो इसका आंसर है सी, तीसरा, क्षेत्रीय भ्रमण और सर्वेक्षण। प्रश्न नंबर 90, मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकें? तो ऑप्शन है मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्य, पटक वर्क शीट को हल कर, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्रित करना और उन्हें अपनी नोटबुक पे चिपकाना। तो इसका आंसर दूसरा है। तो दोस्तों ये पहला पार्ट था, आज दो पार्ट में करके हम लेके आएंगे, काफी बड़ा हो रहा है वीडियो, काफी लंबा हो जाएगा। तो आज हम ये 90 क्वेश्चन लेके आए हैं, पहले 90 क्वेश्चन जिसमें बाल विकास और क्वेश्चन सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन या फिर सामाजिक विज्ञान के शामिल हैं, और जो बाकी के पहले 30 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल कॉमन है, वो सबके लिए वो शामिल है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित। तो हमने दो पार्ट, दो भाग आज कवर कर लिए हैं, मतलब आधा वीडियो हो गया है अपना। टोटल 150 क्वेश्चन है, 150 में से हमने 90 क्वेश्चन कर लिए हैं, सिर्फ 50 क्वेश्चन अभी, सिर्फ 60 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, तो वो हम पार्ट टू में कवर कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें, और बाकी इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।